भाई पैर जम गए, पैर जम गए। रुके थे कल रात को यहाँ, वो मेरे ही साथ के लोग बैठे हुए हैं। एक ग्रुप और रुका था, ये लोग 300 रुपीस पर हेड था यहाँ का रात का, एक रात रुकने का, और उसी में खाना इंक्लूडेड था। आपको जितनी रोटियाँ खानी है, जितना चावल खाना है, जितनी बार दाल सब्जी लेनी है, लोग सब कुछ था। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इतने ऊपर अगर कुछ बनाए तो रूम कैसा होगा ये आपको भी पता है। यहाँ आपको 3 स्टार या 5 स्टार होटल नहीं मिलेगा। और बाकी यहाँ से ट्रैक हमारा स्टार्ट हो गया, 5:30-6 बज चुका है। रात को सोए थे हम सबके सब 9 बजे, अच्छी नींद आ चुकी है, रेस्ट मिल चुका है अच्छा खासा। अब फटाफट से एक एक करके फ्रेश हो, उसके ठीक बाद चाय पियेंगे और अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। सो अभी साथ वाले सारे के सारे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं खाली पेट चल रहा हूँ, खाली पेट भी नहीं, शुगर इंटेक कर रहा हूँ इंस्टेंट एनर्जी के लिए। अंदर का सीन दिखाता हूँ भैया, और उन्हें पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया है। भैया और ने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया है गर्मा गर्म, तैयारियाँ चल रही हैं दिन भर की। सब रेडी तो हो चुके हैं बट अभी ब्रेकफास्ट करना बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि निकल लेते हैं। लेनिन भाई फोटोज़ के लिए फुल रेडी हैं, निकलते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। हर हर महादेव। एक बारी पहले ये व्यू देख लो। हमारे साथ का शुभम मेहरा ये निकल चुका है, वो देखो वहाँ पहुँच भी चुका है, और अभी मुझे वहीं जाना है। अब माउंटेन्स, शुभम मेहरा दिख रहा है आगे, वो जा रहा है और ये वाला रास्ता है, एक पीक जैसा आ रहा है, मेरे को लग रहा है वहाँ से एक अच्छा व्यू दिखेगा। लेट्स सी। व्यू तो गजब है, लेकिन मैं आपको अब ट्रैक दिखाता हूँ। हो रहा शुभम मेरा, और वो पूरा ट्रैक है वहाँ तक जो दिख रहा है, तभी इतना कवर करना है। व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से, देखो आपको पनार का वो दिखाता हूँ जहाँ हमने रुके थे। ये देखो यहाँ हम कल रात को रुके थे, 7:45 के करीब मैं निकला था, और अभी 8:02 हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है। गर्मी काफी हो रही है, अब ट्रैक करते करते फटाफट चलते हैं। शुभम मेहरा मुझे मिल चुका है। क्या दिख रहा है? चांद देखो उधर से। चलते हैं आगे, अभी आगे तो बहुत लंबा दिख रहा है मुझे ट्रैक। जैकेट उतारता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और शुभम मेहरा भाई बैठे हमारे, बाकी साथी नीचे से आ रहे होंगे 2 किलोमीटर पनियार से। वो जो रास्ता दिख रहा है अभी हम वहाँ से आए हैं, और अभी पता नहीं आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है आगे और कितना है। बस जो भी हम टर्न ले रहे हैं वहाँ से फिर रास्ता और आगे दिख रहा है, और आगे दिख रहा है।
मुझे हमारे साथ के बंदे दिख गए। अगर आपको दिख रहे हैं वो लोग इस पॉइंट पे, वो हमारे साथ के बंदे हैं और एक ही बहुत आगे चल रहे हैं, खतरी है शायद। जल्दी पहुंच गए। एक ताल दिखा ऊपर से। वहाँ उधर मैंने अपना कैमरा सेट कर रखा है, अभी वापस जाके उठाऊंगा। यहाँ से मैं ऊपर चढ़ा और यहाँ से व्यू देखो। वर्थ इट था ऊपर जाना। अब आगे चलते हैं। मुझे एक पॉइंट तो दिखाया जाए, झंडे लगे हैं, दिखाता हूँ अगर कैमरे से दिख जाता है तो। वो देखो जहाँ वो झंडे दिखाई दे रहे हैं। हमारे खत्री जी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। मैं फटाफट से कैमरा बैग में रख रहा हूँ, स्पीड पकड़ते हैं और चलते हैं। सो फाइनली पितृधार पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा है 9, खत्री जी पहले पहुंच चुके हैं। सो या पितृधार। पास से आपको पितृधार के दर्शन करा देता हूँ। सो यह पितृधार भगवान जी, और यहाँ से व्यू देखो। पनारा जैसा पॉइंट है जहाँ स्टे भी होता है और खाने पीने की भी व्यवस्था है। वो चौखंबा दिखाई दे रहा है, वो जो रूट आपको दिख रहा है हम वहाँ से आए, उसके पीछे की साइड से ऊपर चलते हैं। जरा एक बार ही उधर से व्यू देख। हमारे महाराज जी आ चुके हैं और दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा मुझे अभी। व्यू देखो। यहाँ से 4 किलोमीटर है रुद्रनाथ, और रुद्रनाथ से 100-200 मीटर आगे जाके है सरस्वती कुंड। अब पितृधार से रुद्रनाथ तक ज़्यादातर ढलान ही है तो इजी रहने वाला है। ऐसे मुड़ के दिखाना भी इन्होंने। कैरी ऑन गाइज। एक और कोई मेरे को चेक पॉइंट दिख रहा है और ये आगे और रास्ता है। चलते हैं फटाफट। खतरी मेरा वेट कर रहा है। ये हमारे गैरसैंड के निवासी खत्री जी, दीपक खत्री जी। कैसा लग रहा है खत्री जी ट्रैक में? बढ़िया बढ़िया, मजे आ रहे हैं। मजे। खत्री भाई हमारे आगे नहाने के लिए एकदम फुल रेडी हैं। मंदिर पहुंचने वाले हैं तो मैं सोच रहा हूँ नहा लेते हैं, नहा धो के अच्छे से अंडरवियर वगैरह चेंज करके मंदिर जाएंगे। पानी चिल्ड है, बर्फीला पानी है, बट भोलेनाथ का नाम ले और हो जा। जय बोले शिव शंकर, बैठ जा।
पानी बर्फीला है, सोच समझ के नहाना। पहाड़ों का पानी सॉफ्ट रहता है तो साबुन इतनी आसानी से जाता नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है और पानी चिल्ड है। नहा धो चुके हैं, खत्री जी भी नहा चुके हैं, मैरा जी पहुंच चुके हैं, दो भाई मिले हैं रास्ते में। अब फटाफट से यहाँ से आगे चलते हैं, रुद्रनाथ दिख रहा है यहीं से, तो एक्साइटमेंट लेवल काफी ज्यादा हाई है। ठंडा लग गया बट धूप काफी तेज है तो अब अच्छा लग रहा है, फटाफट चलते हैं। ये व्यू तो अच्छा है ही, अब इधर का व्यू देखो। ये व्यू देखो गजब। हम वहां बैठे थे उस पॉइंट पे भी। खत्री जी हमारे एनिमल लवर हैं, काफी अच्छा मेल मिलाप कर देते हैं ये जानवरों के साथ, इसलिए हमारे साथ आए हैं। बादल राणा प्रताप का घोड़ा चेतक। चलते हैं आगे। पानी भी बहुत है, कुछ तो बात है। एक व्यू मिला है जिसको देख के मुझे काफी सुकून मिला है, वो है रुद्रनाथ मंदिर। टाइम हो रहा है 11:16, सुबह स्टार्ट किया था हमने 7:45 पे। एक जगह इतनी देर हमने नहाने में लगा दी बट नहाने के बाद फ्रेशनेस का नेक्स्ट लेवल है, मतलब क्लोजअप से जो फ्रेशनेस दिखाते हैं ना वो कुछ नहीं है। जो उधर ठंडे पानी से नहा के मज़ा आया है और उसके बाद जो ये व्यू देख के मज़ा आया है, कोई कंपैरिजन नहीं है। चलते हैं। जय भोले, ये है भोलेनाथ जी। रुद्रनाथ में एंट्री हो चुकी है। अभी हमारे बाकी साथ वाले नहीं आए, हम तीन ही जने हैं, शुभम मेहरा, दीपक खत्री और मैं, हम तीन ही जने पहुंचे हैं, यहाँ बैठे हैं। मंदिर था इस साइड, ये जो झंडा दिख रहा है, यहाँ से नीचे आके सरस्वती कुंड पड़ता है, साथ ही लोग वहीं जा रहे हैं, ले चलता हूँ आप लोगों को। ये है सरस्वती कुंड। गजब। टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1:30 अभी और मंदिर खुलेगा वापस 3 बजे, तो हमने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और हमें यहाँ का रास्ता किसी ने बताया, यह है सरस्वती कुंड। थोड़ी देर हम यहाँ आराम करेंगे, कुछ हमारे भाई लोग हैं जो पंच स्नान करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो लोग यहाँ स्नान करेंगे और फिर हम यहाँ से चलेंगे। ये रास्ता नीचे वाला जाता है इस साइड और मंदिर के पीछे से होते हुए सरस्वती कुंड। यह रुद्रनाथ, रुद्रनाथ नमः। सीमेंट ईंट कुछ नहीं, ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर लगा के बनाया गया है। ये 6
है, छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। और इनका भी आप देखो तो ये सारे पत्थर एक के ऊपर एक करके लगाए गए हैं। ये देखो, एक के ऊपर एक पत्थर, कोई सीमेंट नहीं, कोई ईंट नहीं। और हर मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित कर रखा है। दो दिन से जिस चीज़ के लिए ट्रैक कर रहे थे, अब जाके वो चीज़ पूरी हुई है। और मन को जितनी शांति मिली है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आई डोंट नो ये इस जगह की वजह से हुआ या फिर जिन लोगों के साथ मैं गया था उन लोगों की कंपनी की वजह से, बट आई सीरियसली मिस ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस ट्रिप। फिजिकली तो मैं काफ़ी दिन पहले आ गया था रुद्रनाथ से वापस देहरादून, बट मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा मन सब कुछ उसी जगह में है, उसी ट्रिप में है। काश मैं कुछ और दिन बिता पाता उधर अपने दोस्तों के साथ, बट वो मुमकिन नहीं हो पाया। बाकी इसके बाद मेरा कैमरा, मेरा फ़ोन, मेरे पावर बैंक सब कुछ डिस्चार्ज हो चुके थे, सो मैं इसके बाद ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया था। और हमें यहीं 4:30 बज चुका था, तो हम वापस पनार गए और हमने रात पनार में ही बिताई। आई जस्ट विश कि काश मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरीज होती तो शायद से आप लोगों को एक और वीडियो देखने को मिल जाता इस ट्रिप का। बट एनीवेज आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो टेक केयर और मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।